नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको पोस्ट मिलने वाला है, मेंटेनेंस एसोसिएट है, प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, टेक्नीशियन है, स्टेशन कंट्रोल है, ट्रेन ऑपरेटर है, ट्रैफिक कंट्रोल है, यही सब आपको पोस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में आप बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपको डिटेल में और बारीकी से जानकारी शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं। दोस्तों, एक एक बारीकी से आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो में धैर्य बनाए रखें, आपको एक एक क्लियर करके मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, यह फॉर्म आपको 15 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक अपना फॉर्म इसमें ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 यानी 500 रुपया आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो आपको 11 सितंबर 2021 को आपके पास 25 वर्ष से 28 वर्ष एज होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या आपको 226 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको कैटेगरी बाई पोस्ट रखा गया है। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ब्रांच से, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, आपको प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए आपके पास 3 ईयर यानी 3 ईयर के डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस आईटी आपके पास बीएससी आईटी में किसी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, आपको टेक्नीशियन के लिए आपको आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए, जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उस ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए। दोस्तों, आपको स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए साथ में आपको 3 ईयर के डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या आपके पास बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको सीबीटी एग्जाम होता है, उसी के आधार पर आपको मेरिट बनाया जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और 40 से 50 रुपया बचा भी सकते हैं, बिना साइबर कैफे गए भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर साइबर कैफे आप जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई नहीं देता है, गलत भी फॉर्म अप्लाई हो जाता है और पैसा भी लगता है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार गाइडिंग करता हूं, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूं और खुद फॉर्म अप्लाई करता हूं, इसलिए आपको भी गाइडिंग करता हूं कि अपने मोबाइल से अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा हेल्प सपोर्ट चाहिए तो कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।